आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिवनी शहर का बगीचा तिकोना पार्क, ये आप देख सकते हैं किस कदर जर्जर हो चुका है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। एक समय था बाग बगीचों का शहर कहलाता था सिवनी। सिवनी में बस स्टैंड पर तिकोना पार्क, पुराने अस्पताल के अंदर एक छोटा सा पार्क और न जाने कितने पार्क सिवनी में हुआ करते थे। अब सिर्फ कहने को, नाम मात्र को एक ये पार्क बचा हुआ, शंकराचार्य पार्क बबरिया के पास है। वो पूरी तरह जर्जर हो चुका है करोड़ों रुपए उस पर खर्च किए जाने के बाद। ये तिकोना पार्क कलेक्टर कार्यालय से जैसे ही आप बाहर निकलते हैं, कचहरी चौक के करीब में है। जिला कलेक्टर संस्कृति जैन स्वयं इस रास्ते से आना जाना करती होंगी। निश्चित तौर पर वे इसी रास्ते से अपने निवास से कार्यालय जाती होंगी और वे जाते समय उनकी नज़र अगर इस पर पड़ती हो, हम फिर दोहराएंगे, अगर पड़ती हो तो वे इसकी दुर्दशा से अनभिज्ञ शायद ही हों। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। बाग बगीचों के शहर में, बाग बगीचों को तरस रहा है सिवनी शहर। आश्चर्य की बात है कि नगर पालिका परिषद पर कांग्रेस का कब्जा है, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और केंद्र में सरकार है, विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, सांसद भारतीय जनता पार्टी के, उसके बाद कांग्रेस शासित नगर पालिका परिषद मनमानी पर पूरी तरह उतारू है। दलसागर तालाब का दूसरी बारिश में भी उसे नहीं भरा जा सका, इससे बड़ी विडंबना और कुछ नहीं हो सकती है। दलसागर को लेकर जबरदस्त सियासत चल रही है, बाग बगीचे को तरस रहा है शहर। और ये जो आपको हम दिखा रहे हैं, ये कलेक्टर कार्यालय के करीब में सर्किट हाउस के मुहाने पर ये एक बगीचा बनाया गया था इस मॉडल रोड के किनारे में। इस बगीचे का बनाने का औचित्य क्या था, करोड़ों रुपये यहाँ क्यों फूके गए, ये बात भी आज एक प्रश्न चिन्ह लगाकर खड़ी हुई। और इसके अंदर खरपतवार आप देख सकते हैं किस कदर यहाँ पर गंदगी पसरी हुई है। लोग आखिर जाएं तो जाएं कहाँ, यहाँ जितने भी ये बेंच लगाई गई हैं, इन बेंच पर रात को मैजदे आकर बैठते हैं और ये यहाँ पर खाली शराब की बोतलें आपको इकट्ठी मिल जाएंगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। कंट्रोल रूम के ठीक सामने का ये इलाका, यहाँ देखिए ये इसकी रेलिंग टूटी पड़ी हुई है। रेलिंग कैसे टूटी, क्यों टूटी, कब टूटी, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भी इस बारे में पूछने की जहमत शायद ही उठाते हों। सबसे आश्चर्य तो इस बात पर होता है कि कांग्रेस शासित नगर पालिका परिषद में कांग्रेस से ज़्यादा ताकतवर, कांग्रेस से संख्या बल में भी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद होने के बाद भी, संख्या बल में भी वे पर्याप्त हैं, उस सब के बाद नगर पालिका परिषद में कांग्रेस का एजेंडा कैसे पारित हो जाता है, ये इस बहुत बड़ा प्रश्न है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आलोक दुबे, आपको भी देखना होगा और आपके अध्यक्ष रहते हुए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका परिषद अब कांग्रेस शासित है। ये देखिए, यहाँ पर प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, रेलिंग टूटी पड़ी हुई, रेलिंग आखिर इतनी घटिया रेलिंग कैसे लगाई गई थी कि पूरी की पूरी रेलिंग यहाँ टूट गई है। और इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि दो चार आठ दिन पंद्रह दिन के अंदर ये रेलिंग कबाड़ियों के द्वारा उठाकर बेच दी जाए, टीन टप्पर बीनने वालों के द्वारा कबाड़ियों को बेच दी जाए। अगर ऐसा होता है तो आपको आश्चर्य कतई नहीं होना चाहिए। नगर पालिका की संपत्ति किस तरह से बर्बाद हो रही है, नंगी आंखों से ये बर्बादी सांसद, विधायक, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष स्वयं देख रहे हैं। इस शिव की नगरी में कितनी गंदगी यहाँ पर है, घास किस कदर उगी हुई है, किसी को फुर्सत नहीं है। दरअसल नगर पालिका परिषद पर चाहे कांग्रेस काबिज हो या भारतीय जनता पार्टी, लोगों का यही कहना है कि खरीदी और निर्माण इसके अलावा, खरीदी निर्माण इसके अलावा नगर पालिका परिषद के पास और दूसरा कोई काम नहीं। कितनी घास यहाँ पर दिख रही है, शहर की साफ सफाई किस कदर, किस स्तर पर की जा रही है। जिलाधिकारी संस्कृति जैन, आपसे अपील है, गुजारिश है, इल्तजा है, एक बार आकर जरूर देखें। आप नगर निगम में आयुक्त रहीं तो स्थानीय निकाय की कार्यप्रणाली से आप बेहतर तरीके से परिचित होंगे। ये देखिए, पूरी शराब की बोतलों के साथ में यहाँ पर कचरा आपको दिखाई दे रहा होगा। ये नाला यहाँ पर है और इस नाले में भी कचरा, चूँकि अभी बारिश हुई तो बारिश से कचरा बह गया होगा, अन्यथा यहाँ ये नाला भी पूरी तरह कचरे से सराबोर ही नज़र आता है।
समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। नगरपालिका परिषद को बेलगाम क्यों छोड़ा गया है, इस बारे में लोग चर्चा करते नजर आते हैं। आखिर क्या कारण है कि सांसद हों या विधायक, सांसद दिनेश राय, उनका जिला मुख्यालय, उनके विधानसभा का मुख्यालय है और विधानसभा मुख्यालय की नगरपालिका परिषद अगर इस तरह से बेढंगी चाल लगातार चल रही, वो भी विपक्ष में बैठी कांग्रेस की नगरपालिका परिषद, अच्छा काम अगर उसके द्वारा किया जा रहा हो तो निश्चित तौर पर उसे सराहा जा सकता है। देखिए, यहाँ पर घास और कचरा साफ तौर पर देखा जा सकता है। इसके बाद भी अगर विधायक अपना मौन नहीं तोड़ रहे हैं, सांसद अपना मौन नहीं तोड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आलोक दुबे अपना मौन नहीं तोड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के दोनों मंडलों के अध्यक्ष अपना मौन नहीं तोड़ रहे हैं, तो इसे क्या माना जाएगा? ये देखिए, यहाँ पर टूटी हुई रेलिंग स्पष्ट तौर पर दिख रही है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता शायद नहीं होती है। आखिर इतनी घटिया गुणवत्ता वाली रेलिंग लगाई गई। देखा जाए तो जिस किसी की भी मुख्य नगरपालिका अधिकारी के द्वारा इस पूरी रेलिंग का भुगतान किया गया है, जिस भी उपयंत्री, सहायक यंत्री, कार्यपालन यंत्री के द्वारा इसकी मेजरमेंट बुक में इंद्राज किए गए हैं, उसे सर्टिफाई किया गया, उनके वेतन भत्तों से इसकी वसूली एक बार कर ली जाए तो नगरपालिका परिषद में कभी भी जो भी अभियंता आएंगे वे गलत काम करने के पहले 100 बार सोचेंगे जरूर। इस सब के लिए सभी की निगाहें, पूरे जिला मुख्यालय की निगाहें जिला कलेक्टर संस्कृति जैन पर टिकी हुई हैं कि वे इस मामले में क्या कार्रवाई करती हैं, नगरपालिका परिषद किस तरह काम कर रही है, आवारा मवेशी शहर में किस कदर घूम रहे हैं। उसके बाद भी ये कहा जाए कि जिला कलेक्टर के द्वारा कई बार निर्देश दिए गए, पूर्ववर्ती कलेक्टर्स के द्वारा निर्देश दिए गए, पर उन सभी निर्देशों को नगर पालिका परिषद, वो भी कांग्रेस शासित नगर पालिका परिषद के द्वारा लगातार ही हवा में उड़ाया जाता रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। मॉडल रोड अभी पूरी नहीं हो पाई है, मॉडल रोड में सीसी कंप्लीशन सर्टिफिकेट, नगरपालिका के सूत्रों का कहना है कि मॉडल रोड को सीसी अभी नहीं दिया गया, कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं प्रदान किया गया। उसके बाद यहाँ अब नए सिरे से उस सड़क का निर्माण आरंभ करा दिया गया है। कितना 11,70,00,000 रुपये पानी में बहा दिए गए। तिकोना पार्क एक बार फिर हम आपको दिखा रहे हैं, दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में खबरें पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।